सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कविता का पठन करेंगे। और बच्चों, आज मैं आपको दो कविता सिखाने जा रही हूँ। एक कविता का शीर्षक है कबूतर और दूसरे कविता का नाम है मोर। तो सभी बच्चे पेज नंबर 13 खोल कर रखेंगे और जैसा मैं गाऊंगी आप सभी वैसा ही मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? कबूतर हूँ मैं, कबूतर हूँ, सफेद सलेटी होता हूँ, गुटरू गू मैं करता हूँ, बाजरा मैं खाता हूँ, घर में छिपकर रहता हूँ, पर बिल्ली से डरता हूँ। बच्चों, आप देख सकते हो कि इस चित्र में एक कबूतर है जिसका रंग सफेद और सलेटी है। कबूतर का रंग कैसा होता है? कबूतर ज्यादातर सफेद और सलेटी रंग के होते हैं। और कबूतर कैसा आवाज निकालता है? कबूतर गुटरू कर गू करके आवाज निकालता है। कबूतर को क्या पसंद है? कबूतर बाजरा खाना पसंद करते हैं। कबूतर कभी कभी घर में छुप कर रहते हैं क्योंकि उसे बिल्ली से बहुत डर लगता है। आप देख सकते हो एक बिल्ली का चित्र है और इधर एक कबूतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से इस कविता को गाएंगे। कबूतर हूँ मैं, कबूतर हूँ, सफेद सलेटी होता हूँ, गुटरू गू मैं करता हूँ, बाजरा मैं खाता हूँ, घर में छिप कर रहता हूँ, पर बिल्ली से डरता हूँ। अब बच्चों, हम लोग दूसरा कविता याद करेंगे जिसका शीर्षक है मोर। मोर तो आप जानते हो ना, जब बारिश का मौसम होता है तो मोर क्या करती है? मोर अपना पंख फैलाकर नाचती है ना? मोर बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। तो अब मैं मोर कविता गाऊंगी और सभी बच्चे मेरे साथ इसे दोहराएंगे। मोर हूँ मैं, मोर हूँ, सबसे सुंदर लगता हूँ, सिर पर मेरे ताज है, सुंदरता का राज है, बादल देख खुश होता हूँ, पीहू पीहू मैं करता हूँ। तो मोर है ना, ये मोर कह रही है कि मोर हूँ मैं, मोर हूँ, मैं सबसे सुंदर दिखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सिर पर ये ताज है। बादल देख मैं खुश होती हूँ, जब भी आकाश में बादल छाते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। और मैं पीहू पीहू मैं करती हूँ, मैं पीहू पीहू का आवाज निकालती हूँ। तो मैं फिर से दोबारा इस कविता को पढ़ती हूँ। मोर हूँ मैं, मोर हूँ, सबसे सुंदर लगता हूँ, सिर पर मेरे ताज है, सुंदरता का राज है, बादल देख खुश होता हूँ, पीहू पीहू मैं करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी इन दो कविताओं को याद करेंगे, कबूतर और मोर, और अपना एक वीडियो बनाकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में सेंड करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।